हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने घोसलो को बता दिया था। घोसलो हमने ये बताया था, घोसलो क्या लिखा था लास्ट लेक्चर में हमने इसको, जो फ्लक्स था हमारा किसी भी क्लोज पाथ से, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वो हमने ऐसे राइट डाउन किया था, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या लिखा था, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। रिगार्डिंग घोसलो कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। घोसलो के अंदर जो फ्लक्स होगा वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज इनसाइड द क्लोज पाथ। फ्लक्स जो घोसलो में जो फ्लक्स है वो सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करेगा, इनसाइड द क्लोज पाथ चार्ज कितना है। वो ये डिपेंड नहीं करेगा कि उस क्लोज पाथ के अंदर चार्ज की लोकेशन क्या है, किस लोकेशन पे रखा है, कितनी सेपरेशन पे रखा है। वो सिर्फ ये डिपेंड करेगा कि उस क्लोज पाथ में चार्ज कितना है। पहला पॉइंट घोसलो के रिगार्डिंग हमें सिर्फ ये देखना है, ये नहीं देखना शेप क्या, हमें ये देखना है कि क्लोज पाथ के अंदर नेट चार्ज कितना है। तो बिहाफ ऑफ दिस वी कैन से फाई इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ जो फ्लक्स होगा क्लोज पाथ पे, ना बच्चों इस चीज पे डिपेंड करेगा कि चार्ज की लोकेशन क्या है, चार्ज की पोजीशन कहां पर है इनसाइड द क्लोज पाथ। तीसरी चीज, अगर उस क्लोज पाथ में चार्ज जीरो है, अगर उसमें क्यू इनसाइड द क्लोज पाथ हमारा जीरो है, अगर क्लोज पाथ में क्यू इन जीरो, तो डेफिनेटली क्या हो गया, फ्लक्स भी उस क्लोज पाथ से कितना पास होगा, जीरो, राइट। थर्ड चीज जो है, जो इनवर्ड फ्लक्स होगा, जो इनवर्ड फ्लक्स है उसको हम नेगेटिव मान के चलेंगे और जो आउटवर्ड फ्लक्स है उसको पॉजिटिव मान के चलेंगे। जैसे मैं ये कहता हूं ये कोई भी क्लोज बॉडी है, ये क्लोज बॉडी है, या हमने एक सिलेंडर मान लिया, सपोज कीजिए ये एक सिलेंडर रखा है हमारे पास, ये एक सिलेंडर, अगर ये यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है, सपोज कीजिए कि इस फील्ड में रखा है, ये फील्ड लाइंस है, तो इसके अंदर जो इस क्लोज पाथ का जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, जीरो, क्योंकि इनसाइड द क्लोज पाथ तो हमारे पास चार्ज क्या है, जीरो। अगर मान लो यहां भी इसको फील्ड में रखता हूं मैं, ये फील्ड है, तो भी इसका भी फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। क्यों, क्योंकि इनसाइड द क्लोज पाथ जो चार्ज है वो कितना है, जीरो, तो आप फ्लक्स बोल सकते हैं कितना होगा, जीरो। बट अगर एक सिमेट्रिकल बॉडी है, सिमेट्रिकल बॉडी मींस हमने ये मान लिया ये एक सेमी सर्कुलर शेप है हमारे पास, और यहां पे क्यों चार्ज रखा है सेंटर के ऊपर, तो फ्लक्स इससे इस सर्कुलर पाथ से फ्लक्स कितना पास होगा। अगर वो सिमेट्रिकल है और उसके सेंटर पे रखा है, तो इमेजिन कर ले इसको कंप्लीट सर्कल बना दिया हमने, ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू दिस सर्कल कितना आ गया, कितना फ्लक्स पास होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। पर जो गिवन है वो इस पूरे का कितना पार्ट है, हाफ पार्ट है, तो फ्लक्स कितना हो गया बच्चों, वन बाई टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। जस्ट यू कैन सा अ सिलेंडर, दिस वन, अब चार्ज यहां पे रखा है, तो वही केस है, हम इसको इमेजिन कर लेते हैं, इसको कंप्लीट सिलेंडर बना देते हैं, ये कंप्लीट सिलेंडर बन गया हमारा, राइट, और इस कंप्लीट, और ये सेंटर के ऊपर चार्ज रखा है, तो इस पूरे से फ्लक्स जो पास होगा वो कितना पास होगा आप बताएं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इसका कितना पार्ट है हमारे पास, हाफ, तो फ्लक्स कितना पास होगा बच्चों इससे, वन बाई टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, बिल्कुल, मतलब फ्लक्स जो होगा किसी भी क्लोज पाथ से कितना पास होगा, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। बट अगर ये चार्ज, ये हमारे पास गिवन था, अगर ये चार्ज यहां रखा होता तो भी फ्लक्स कितना पास होगा, वन बाई टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज तो इतना ही क्लोज पाथ के अंदर। बट अगर ये चार्ज यहां रखा था तो भी कितना है, वन बाई टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बट अगर ये चार्ज यहां पर रखा होता तो फ्लक्स कितना होता इससे, जीरो। क्यों फ्लक्स जीरो क्यों होता, क्योंकि इनसाइड चार्ज क्या है हमारे पास, क्यू इनसाइड चार्ज क्या हो गया बच्चों, जीरो। अगर कोई भी क्लोज बॉडी है वो यूनिफॉर्म फील्ड में रखी है या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखी है, अगर उसमें चार्ज नेट जीरो है तो फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो। जितना फ्लक्स इनवर्ड होगा उतना ही क्या होगा, आउटवर्ड होगा, तो नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज पाथ इज जीरो। बट जो माइंड में रखना है वो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जैसे ये सेमी सर्कुलर शेप दे दिया, अगर इसके सेंटर पे रखा है, ये इसके इनसाइड रखा है, तो फ्लक्स कितना आएगा, वन बाई एन। हम सिमिलरली सभी के लिए लिख सकते हैं, जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, वन बाई एन,
क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एन कितना पार्ट था, अगर ये यहां पे रखा था तो इस पूरे का कितना पार्ट, हाफ, तो हमने कैसे लिखा इसको, वन बाई टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर सेकंड केस में हमने किसका एग्जांपल ले लिया, सिलेंडर का एग्जांपल ले लिया, ये भी सेम, सेम कैसे, एज अबो, ये इसका हाफ पार्ट है कंप्लीट, हमने सिलेंडर बना दिया, इस सिलेंडर से फ्लक्स कितना पास होगा, दो सोलह से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका कितना पार्ट है, हाफ, तो फ्लक्स कितना आएगा इससे, वन बाई टू, एन की वैल्यू क्या होगी, हाफ पार्ट है, वन बाई टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब फ्लक्स जो होगा किसी भी क्लोज पाथ का, बच्चों फ्लक्स कितना होता है, कितना होता है, नेट चार्ज देखो उस क्लोज पाथ में कितना है, फ्लक्स इसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा कि उसका शेप कैसा है, उसमें चार्ज की लोकेशन क्या है, फ्लक्स सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करेगा इनसाइड द क्लोज पाथ चार्ज कितना है। थर्ड चीज रिगार्डिंग द गोसला, हम क्या कह सकते हैं, अगर हमारे पास मैं ये बोल दूं कि फ्लक्स जीरो है, फ्लक्स जीरो, फ्लक्स जीरो मींस, फ्लक्स जीरो का मतलब क्या है ये समझाना है अब हमें। अब आप देखेंगे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए एक एग्जांपल ले रहे हैं इसका, मैं आपको ये बोल देता हूं कि फ्लक्स हमारे पास था E डॉट ds, अगर E जीरो है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं फाई जीरो होगा, अगर हम बोल दें इफ E इज इक्वल टू जीरो देन डेफिनेटली फाई इज इक्वल टू जीरो, बट अगर मैं आपसे ये बोल दूं फाई जीरो है, गॉसियन सरफेस की बात कर रहा हूं मैं किस सरफेस की बात कर रहा हूं, गॉसियन सरफेस से, अगर मैं आपसे बोल दूं E जीरो है गॉसियन सरफेस के थ्रू तो डेफिनेटली E फाई जीरो होगा, बट अगर मैं आपको ये बोल दूं कि फाई जीरो है इट मींस गॉसियन सरफेस से जरूरी नहीं है कि फील्ड भी जीरो हो। इसका एग्जांपल लेते हैं, देखिए आप ये चीज रिगार्डिंग द गॉस लॉ और गॉसियन सरफेस पे दो चीजें हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर फील्ड जीरो है गॉसियन सरफेस से तो डेफिनेटली फ्लक्स जीरो हो गॉसियन सरफेस से, बट अगर बच्चों फाई जीरो है तो जरूरी नहीं है कि ई जीरो है। कैसे, इसका एग्जांपल लेते हैं एक बार, देखिए आप लोग कैसे करें, हमने ये मान लिया सिर्फ इसको क्लियर करने के लिए कि E जीरो तो फाई डेफिनेटली जीरो, बट अगर हमारे पास E जीरो नहीं है, E जीरो तो जरूरी नहीं कि फाई भी जीरो होगा। कैसे, इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं, जो गॉस लॉ में जो E डॉट ds होता है हमारे पास क्या होता है, E डॉट ds क्या बोला मैंने, क्यू इन, नेट क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसको एक्सप्लेन कैसे करें, फिर मैं वही बात रिपीट करता हूं, एंड दैट्स इक्वल टू फ्लक्स फाई, ठीक है। अब इसको बताना है कि भाई ये चीजें हम कैसे कह रहे हैं, जो E होता है हमने क्लोज पाथ कंसीडर किया, बच्चों देसन कोई मैरिटरी पाथ मान लिया हमने, इसमें चार्ज रखा है क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री और यहां पर रखा मैंने क्यू फोर, दिस वन इज क्यू फाइव। जो गॉस लॉ में जो E होता है, जो E होता है ये यहां पे कोई भी ds है, यहां पर ये जो इस गॉसियन सरफेस से जो फील्ड पास होगा, फ्लक्स इसका होता है फील्ड का ही होता है, तो ये जो E होता है ये गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है एज वेल एज जो चार्ज आउटसाइड है वो किसके कारण एग्जिस्ट करेगा, ये चार्ज इनसाइड द क्लोज पाथ एज वेल एज चार्ज आउटसाइड द क्लोज पाथ, बट जो आप ये क्यू इन कंसिडर करेंगे वो सिर्फ कौन सा होगा, ओनली इनसाइड द क्लोज पाथ। ये बेसिक चीजें हैं रिगार्डिंग द गॉस लॉ, गॉस लॉ में तीन चीजें हमेशा याद रखेंगे, जो फ्लक्स होगा वो ये डिपेंड नहीं करेगा कि गॉसियन सरफेस का शेप कैसा है, वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा कि चार्ज की पोजिशन कहां पर है, इस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। तीसरी चीज इनवर्ड फ्लक्स, हमने बोला नेगेटिव है तो आउटवर्ड को क्या मानेंगे, क्या मानेंगे पॉजिटिव, तो जितनी लाइंस अंदर आ रही है अगर उतनी बार जब नेट फ्लक्स गॉसियन सरफेस से जीरो हो गया। तीसरी चीज ये ध्यान रखेंगे माइंड में, अगर हमारे पास फील्ड जीरो है तो डेफिनेटली यू कैन से फाई इज जीरो, बट इफ फाई इज जीरो देन वी कांट से कि ई जीरो, ई जो होता है ई बाय वर्च्यू ऑफ विच ई ड्यू टू चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस एज वेल एज चार्ज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, क्लियर। और एग्जांपल लेते हैं रिगार्डिंग द गॉस लॉ, और एग्जांपल लेते हैं हम, देखिए आप इसका एक तो और क्वेश्चन करके देखते हैं इसमें। गॉस लॉ में ये पॉइंट्स जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं,
चार्ज की लोकेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड नहीं करेगा चार्ज की लोकेशन क्या उनके बीच, सिर्फ हमें ये देखना है कि नेट चार्ज कितना है। और एक चीज हमेशा याद रखेंगे, फिर उस चीज को रिपीट कर रहा हूं, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ये चीज सिर्फ ये याद रखेंगे एंड दैट्स इक्वल टू फ्लक्स। अगर ई जीरो है तो डेफिनेटली फ्लक्स जीरो होगा, बट फाई जीरो मीन्स नॉट ई इज जीरो, क्योंकि ई जो होता है वो गोशियन सरफेस में चार्ज इनसाइड द गोशियन और आउटसाइड द गोशियन सरफेस, बट जो फ्लक्स होगा, जो ये चार्ज होगा, ये ओनली इनसाइड द गोशियन सरफेस लेना है आपको, क्लियर। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए फ्लक्स का, अगर मैं इसी में फ्लक्स के स्टेटमेंट में एक दो और चीजें ऐड कर रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे। जैसे मैं आपसे ये बोल दूं, ये कोई सिलेंडर है मेरे पास, ये कोई भी सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है हमारे पास, और ये फील्ड में रख दिया, और फील्ड की डायरेक्शन मैंने कैसे दिखा दी, ये इस फील्ड में रख दिया, ये फील्ड में रखा है मैंने, ये यूनिफॉर्म फील्ड है और ये सिलेंडर रख दिया। तो मैंने कहा बच्चों स्टूडेंट्स फाइंड आउट द फ्लक्स फ्रॉम दिस सिलेंडर, ऐसा मेडिकल में एक बार क्वेश्चन दिया था, मैंने ये बोला कि इससे फ्लक्स निकालिए। अब फ्लक्स को निकालना हमें पता है, फ्लक्स क्या होता है मैंने आपको बताया, फाई क्या होता है ई डॉट डी एस, फाई क्या होता है ई डॉट डी एस। अब हमें डीएस लेते हैं, यहां पर कितने सरफेस एरिया, जस्ट यू कैन सा दिस आर सिलेंडर, ये एक सिलेंडर है, इसको यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं, फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो जस्ट यू कैन सी दिस पेन इज अ सिलेंडर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देखिए इसके तीन सर्फेसिज हैं, एक प्लेन सर्फेस ये हो गया, एक ये हो गया, और एक कर्व सर्फेस हो गया, फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो हम तीन सर्फेसिज हैं, कौन कौन सा, इस सर्फेस को बच्चों एस वन नाम दे दिया हमने, इसको क्या दे दिया बच्चों एस टू, एंड कर्व सर्फेस इज एस थ्री। अब हमें ई डॉट डी एस निकालना है, एक तो एस वन से, एक एस टू से, एक एस थ्री से, एरिया वेक्टर हमें पहले ही क्लियर है, एरिया वेक्टर क्या होगा नॉर्मल टू प्लेन एंड आउटवर्ड, तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी और कर्व का ये हो गया, फील्ड की डायरेक्शन गिवन है तो हम निकाल सकते हैं, एस वन से निकालते हैं, यहां पे एरिया कंसीडर कर लें स्मॉल डी एस वन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गया एन कैप, फील्ड की डायरेक्शन किधर है बताइए आप, फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो थीटा कितना है फाई वन, फाई एस वन कितना निकाल लें, ई डॉट डी एस, डी एस कितना हो गया टोटल एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस, थीटा कितना है कोस थीटा, थीटा कितना है 180 डिग्री, तो इस सरफेस से जो फ्लक्स आ गया वो कितना आ गया ई इंटू पाई आर स्क्वायर आ गया हमारा। मैंने बोला था इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव होता है, आप लोग देखें इनवर्ड फ्लक्स कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। अब इस सरफेस की बात करते हैं, दिस वन इज डी एस टू एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एन कैप, फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, तो फाई एस टू कितना आएगा बताइए, थीटा जीरो, तो फ्लक्स कितना आ गया ई, एरिया वही आ गया पाई आर स्क्वायर, को जीरो वन हो गया, एस टू का भी आ गया। अब हमें किसका निकालना है, कर्व सरफेस का, या स्टूडेंट्स एन कैप इसका ये हो गया राइट, फील्ड की डायरेक्शन कहां है दिस वन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा कितना है बताइए 90, तो आप बताइए फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर कितना आ गया जीरो, वाई E is perpendicular to ds on the curved surface. तो net flux through the curved surface कितना आ गया? Minus E into pi r square. Next one. इससे कितना आया? Outward flux positive होगा. निकाल सके आप लोग? E into pi r square. Curved का कितना है बताइए? Zero. E is perpendicular to ds. तो net flux कितना आ गया? आप बताएं? Zero. तो you can say इस सिलेंडर के अंदर नेट चार्ज कितना है जीरो, जितना फ्लक्स एंटर किया उतना ही फ्लक्स लीव कर गया, तो नेट फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर क्या आ गया जीरो। तो इट मींस वी कैन से कि अगर चार्ज जीरो तो फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर क्या आ गया जीरो। इसके ऊपर मेडिकल में क्वेश्चन आया था बच्चों, क्या था कि ये इसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, आप इसी को समझ लें। उन्होंने ये बोला कि मेडिकल का क्वेश्चन था, ये चार्ज रखा क्यू, ठीक है, उन्होंने ये बोला ये एक सिलेंडर है, इसका जो प्लेन सरफेस का फ्लक्स है वो फाई है, प्लेन सरफेस का फ्लक्स कितना है फाई,
ये बोल दिया उन्होंने कि नेट जो फ्लक्स है वो प्लेन सरफेस का फाई है। तो या तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, इस कर्ण का उन्होंने दे दिया फाई, ऐसे था क्वेश्चन, सॉरी, फाई इज द फ्लक्स थ्रू द कर्ण सरफेस, देन व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द प्लेन सरफेस ऑफ द सिलेंडर। अब आप बताएंगे मेरे को चार्ज नेट कितना है, बताएं सिलेंडर में क्यू, क्वेश्चन क्या था, ये एक सिलेंडर है इसके अंदर क्यू चार्ज को एनक्लोज कर दिया, और फाई जो है ना वो फ्लक्स है, फाई फ्लक्स है, कहां से फ्लक्स है, थ्रू द कर्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर, कर्ड सरफेस से फ्लक्स पास हो रहा है, तो प्लेन से कितना पास होगा, सेंटर पे है बराबर फ्लक्स पास होगा, तो हम इक्वेशन लगाते हैं नेट फ्लक्स क्या हो गया, क्वेश्चन करते हैं ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे, इसका फ्लक्स फाई है तो इसका भी फाई हो गया, तो कितना आ गया आउटवर्ड है, तो नेट फ्लक्स कितना आ गया फाई टू फाई, तो क्या हो गया फ्लक्स थ्रू द प्लेन सरफेस, ठीक है टू फाई पी मान लू, और कर्ण का उन्होंने दे रखा है कितना है फ्लक्स फाई, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री, तो टू फाई पी, दोनों का फ्लक्स सेम है चार्ज सेंटर पे है, तो फाइव और कर्ण का उन्होंने दे रखा था फाइव है इज इक्वल टू क्यू कितना इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो टू फाइव पी कितना आ गया बच्चों क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाइव, तो प्लेन सरफेस से कितना फ्लक्स पास हुआ वन बाई टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाइव, क्लियर। अगर क्वेश्चन हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर सिलेंडर में चार्ज जीरो है, अगर किसी भी गॉसियन सरफेस में अगर चार्ज जीरो है तो उसका फ्लक्स भी क्या होगा जीरो, तो हमने दो चीज बताई, अगर एक सिलेंडर है उसको एक फील्ड में रखा यूनिफॉर्म फील्ड में तो फ्लक्स जीरो आ गया, और दूसरी चीज हमने ये बताई, क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, एक सिलेंडर है उसके अंदर क्यू चार्ज रखा है सेंटर पे, और फाई इज द फ्लक्स थ्रू द कर्ड सरफेस, तो प्लेन सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, सेम फ्लक्स एरिया बराबर है फाइव पी टू फाइव पी फाइव दे रखा है कर्ड का राइट में ले गए, तो फ्लक्स थ्रू द प्लेन सरफेस कितना आ गया बच्चों वन बाई टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाइव, और क्वेश्चन इसके ऊपर रिपीट करते हैं, अब देखें